हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम 2023 देना है तो। जी हां दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखनी होती है, और हमारे पास यह एक क्वेश्चन पेपर जो कि 2020 का सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है। तो यहां पर देखिए, आपको 2020 का हो या 22 का हो, यार क्वेश्चन पेपर तो आपका वही होता है ना, तो यहां पर आपके क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार से होंगे, पैटर्न आपका सेम है। बाकी यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी को आपको कैसे भरना है और कॉपी को आपको लिखना कैसे। जी हां दोस्तों, यहां पर यह वीडियो इसलिए खास होने वाला है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसी वीडियो तो हमने कई सारी देखी जिसमें कॉपी भरने का तरीका बताया जा रहा है, तो जी हां, मैं आपको यहां पर कॉपी भरने का तरीका तो बताऊंगा, साथ ही मैं आपको कॉपी जो कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है यहां पर मैं आपको लिखने का तरीका भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखना है, आपको क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना, ताकि आपको जो है बोर्ड एग्जाम में पूरे पूरे नंबर मिले। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको, मैं जल्दीबाजी में थोड़ा बता देता हूं कि आपको कॉपी भरना कैसे, बाकी यहां पर आपको ज्यादा टाइम ना वेस्ट करूंगा, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले यहां पर होता क्या है, आपको यहां पर एक नंबर से छह नंबर तक आपको भरना होता है, यानी कि जो स्टूडेंट का काम होता है वो आपको नंबर वन से लेकर नंबर सिक्स तक इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम की कॉपी को भरना होता है। नंबर वन पर क्या होता है, इसमें आपका अनुक्रमांक होता है जो कि रोल नंबर होता है, आपके प्रवेश पत्र हो सकता है आ गए होंगे, और नहीं भी आए होंगे तो आपका रोल नंबर आपको मिल जाएगा, है ना, उसे रहता है। बाकी इस प्रकार से आपका जैसे रोल नंबर है तो यहां पर आप कोई भी संख्या डाल सकते हैं, जो भी आपका रोल नंबर, कोई भी नहीं डालना यार, जो भी आपका रोल नंबर हो सिर्फ आपको उसी को डालना है। ठीक है, इसके बाद यहां पर यार मेन चीज आती है जो कि आपको कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, कुछ लोग बता रहे हैं जैसे आपका यहां पर है 16,66,784 हमने लिखा रोल नंबर, अब कुछ लोग बता रहे हैं टीचर की आपको यहां पर जो लिखना जैसे एक एक है, उसके बाद छह है, फिर छह, तो आपको एक एक करके लिखना 1,6,6,7,8,4 ऐसा करके। लेकिन दोस्तों वह भी तरीका आपका सही है, और अगर आप लोग इस प्रकार से लिखते हैं जैसे हमने लिखा कि 16,66,784, तो यह भी तरीका आपका सही है, इसमें देखिए मिस्टेक नहीं होगी, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई मतलब एक भी प्रकार की गलती नहीं होगी, इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, या तो आप चाहे तो एक एक करके लिख सकते हैं, जैसे आपका 1,6,6,7,8,4 ऐसा करके भी आप लिख सकते हैं, यानी कि शब्दों का मतलब है आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और आपको यह भी तरीका है तो यह भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे यहां पर नेक्स्ट आता है विषय एवं प्रश्न पत्र। विषय क्या है आपका, जैसे हिंदी का पेपर हो रहा है तो आपका यहां पर सामान्य हिंदी है तो आप सामान्य हिंदी डाल सकते हैं, हिंदी का है तो आप हिंदी डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा सामान्य हिंदी, तो हम यहां पर क्या करेंगे, सामान्य हिंदी कर देंगे इस प्रकार। ठीक है, तो सामान्य हिंदी यार मैंने थोड़ा सा यहां पर पहले से लिख रखा हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी आप लोग यहां पर सामान्य हिंदी लिख दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न पत्र, जो देखिए आपका प्रश्न पत्र केवल एक ही होता है यहां पर, ठीक है, एक ही प्रश्न पत्र होता है, तो यहां पर आप केवल लिख देंगे। इसके बाद यहां पर प्रश्न पत्र पर अंकित जो संकेतांक होता है, यानी कि जो आपका ये कोड होता है, जो आपका जैसे यहां पर 302 जड़ाई है, तो मैंने पहले से लिख दिया था, तो यानी कि आपका अगर यहां पर जो भी आपके पेपर में रहेगा आपको वही लिखना है ना, यहां पर आपको अपने से मतलब कुछ भी नहीं करना, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा आपको वही लिखना। इसके बाद यहां पर आता है परीक्षा का दिन, तो परीक्षा का दिन जैसे आपका 16 फरवरी को जो है हिंदी का पेपर है, तो आपका उस दिन क्या पड़ रहा है, तो गुरुवार जैसे पड़ रहा है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं जैसे परीक्षा का दिन जो है गुरुवार, है ना, तो आप लोग यहां पर लिखेंगे गुरुवार, इस प्रकार से आपको लिख देना है गुरुवार। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्या था, परीक्षा की तिथि, तो आपका जो भी डेट है, और उसके बाद यहां पर पाली, यानी कि आपका जो जैसे ट्वेल्थ की बात करें तो द्वितीय पाली में होता है, तो आप द्वितीय पाली लिख सकते हैं, यानी कि द्वितीय। ठीक है, केंद्र का नाम तो आपके प्रवेश पत्र में अंकित रहेगा जहां पर भी आपका सेंटर रहता है, तो ये चीज ही तो ही भरने वाली। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व कैसे करना है, वह तरीका काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको मैं वह करके दिखाता हूं कि आपको भरना कैसे है, यानी कि कॉपी को आपको लिखना कैसे। तो यहां पर हमने देखिए कॉपी को बहुत अच्छी तरीके से लिख के रखा हुआ है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप लोग इस तरीके से कॉपी को बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो यार समझ लीजिए एक भी नंबर आपका कोई काट नहीं सकता। देखिए यहां पर आपके पास इस प्रकार से रहती है, सबसे पहले आपको इस प्रकार से लाइन खींचना, आप जानते ही हैं बोर्ड एग्जाम में आप मतलब कई बार आपने एग्जाम दिया होगा यार, ये सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, तो ये तो हुई आपके यहां पर लाइन खींचने वाली बात। इसके अलावा एक चीज होती है जो कि कॉपी को आप सोच रहे हैं कि मोड़ना कैसे। देखिए कॉपी को हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको इस प्रकार से कॉपी को इतना मोड़ देना चाहिए, यानी कि कॉपी को आपको इतना जो है मोड़ देना चाहिए, इस प्रकार से हमने यहां पर मोड़ा, इतना आपको मोड़ देना, इतना क्यों मोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप कॉपी एक से एक्स्ट्रा लेते हैं, यानी जैसे आपने दो कॉपी तीन कॉपी यानी ए बी सी करके कॉपी लेते हैं, तो आपको बांधने में उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अब क्या होता है, जैसे आप लोग किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना यहां से स्टार्ट किए और लिखते चले गए, तो आप लोग यहां तक लिखते चले गए और आपको पता ही नहीं चला, और अगर आपकी कॉपी जैसे यहां पर मोड़ी है, मोड़ के रखा हुआ है, तो उससे आगे आप नहीं जाएंगे, और उससे आगे जब आप लोग नहीं जाएंगे, जब आप लोग लास्ट में कॉपी को बांधेंगे
लगेगी, तो जो आपका लिखा हुआ रहता है यानी कि जो आपका आंसर है वो आपका इसमें दबता नहीं है, तो इससे आपका जो है आंसर सेफ रहता है। तो इसलिए हमें पहले ही कॉपी को मोड़ देना चाहिए जितना हमें मतलब मोड़ना है, जितना बांधने के काम आए, उसके बाद आपको बाइंडिंग के एक्स्ट्रा जो है इसमें लिखना चाहिए। तो ये चीजें हुई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कैसे करना है ना। तो यहां पर देखिए जैसे हमारा ये क्वेश्चन पेपर है इसमें यहां पर स्टार्ट होता है खंड का, ठीक है, तो यहां पे हमें स्टार्ट कर देना है लिखना। तो देखिए खंड का है आपका, इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन, तो खंड का में आपका नंबर वन स्टार्ट होता है ना, नंबर वन इसमें आपका देखिए इसमें आपका का है, इसके बाद यहां पर आपका खा है, इसमें मतलब पहले नंबर के अंतर्गत के हम आंसर लिखेंगे। तो देखिए आपका खंड का है तो हमने क्या किया उत्तर नंबर एक डाला, क्योंकि यार हम पहले का आंसर लिख रहे हैं ना, यानी कि आपका नंबर वन है इसका हम लोग आंसर लिख रहे हैं, तो इसलिए हमने यहां पर उत्तर क्रमांक या उत्तर नंबर आप डाल सकते हैं, नंबर डाले या क्रमांक डाले एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें देखिए उत्तर क्रमांक हमने यानी कि नंबर डाल दिया, अब यहां पर है का नंबर में हमने क्या लिखा पहला, यानी कि आपका देखिए जो आपका यहां पर प्रश्न फर्स्ट है इसमें का नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा संपादित पत्रिका है, तो इनके द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, तो ये आपका आनंद कदम्बनी है जैसे, तो यहां पर का नंबर में हमारा पहला यानी कि आपका फर्स्ट वाला सही है, तो इसलिए आपको वहां पर क्वेश्चन तो लिखना नहीं, आंसर डायरेक्ट देना है आपको, तो लिखेंगे हम लोग का नंबर का पहला जो कि आनंद कदम्बनी है, तो इतनी ही सफाई के साथ लिखना है बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कोई काट नहीं सकता, बिल्कुल आपको एकदम मतलब समझ लीजिए पूरा नंबर मिलेगा, जितने का आपका होगा आपको पूरा पूरा अंक दिया जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैं आपको अभी जो है यहां पर गद्यांश और पद्यांश को भी सॉल्व करने का तरीका इसमें बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है ताकि 10 में से 10 नंबर मिले, तो इसलिए अंत तक देखिएगा काफी इंटरेस्टेड वीडियो है। इसके बाद यहां पर सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या करा, ध्रुव स्वामी के नाटक के लेखक कौन है, ध्रुव स्वामी नाटक जो है इसके जयशंकर प्रसाद है, यानी कि खा नंबर का आपका सेकंड है, तो हमने लिखा खा नंबर सेकंड जो कि आपका जयशंकर प्रसाद, इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव को आपको सॉल्व करना है। इसके बाद यहां पर आता है यहां पर गा नंबर अशोक के फूल, तो यहां पर आपका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि आपका सेकंड नंबर है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है घा नंबर जो कि आपका फर्स्ट यानी कफन, जो कि आप देख सकते हैं घा नंबर में क्या है कि प्रेमचंद की कहानी का नाम, तो यहां पर हमने लिख दिया कफन यानी फर्स्ट नंबर। इसके बाद अंगा नंबर आपका आता है विद्या निवास मिश्र निबंधकार है, तो कैसे है, तो ललित निबंधकार यानी कि आपका फर्स्ट नंबर, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पांच ऑब्जेक्टिव जो है इसके सॉल्व हो गए। इसके बाद यहां पर आपका स्टार्ट होता है देखिए दूसरा प्रश्न, ठीक है, तो दूसरे प्रश्न में क्या है पृथ्वीराज रासो का रचना काल है, तो पृथ्वीराज रासो का रचना काल कौन सा है, यानी कि आपका दूसरे के अंतर्गत। अब यहां पर हमने देखिए डाल दिया क्या डाल दिया, तो हमने दूसरा क्रमांक यानी कि उत्तर नंबर हमने दो डाल दिया, क्योंकि हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं दूसरे के उत्तर दे रहे हैं, तो इसलिए यहां पर हमने डाल दिया उत्तर नंबर दो या उत्तर क्रमांक दो, ऐसे करके आपको डाल देना। अब यहां पर का नंबर में क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो का रचना काल है, तो यह क्या है वीर गाथा काल का है, तो इसलिए हमने यहां पर लिखा फर्स्ट यानी कि पहला आपका इसमें ऑप्शन सही है, तो इसलिए हमने लिख दिया कि आपका जो का नंबर है यानी कि आपका दूसरे के अंतर्गत जो का है, ठीक है। ये आपको इनको बहुत ध्यानपूर्वक लिखना है यार, अन्यथा इनमें अगर आप गलती करते तो नंबर कट जाएंगे। तो देखिए ये आपका का नंबर का फर्स्ट सही है, तो हमने लिख दिया वीर गाथा काल पहला। इसके बाद खा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ज्ञान आश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो यहां पर आपके कबीरदास हैं, इनकी खा नंबर का तीसरा यानी कि कबीरदास, तो हमने लिख दिया कबीरदास, ठीक है। इसी प्रकार से ये हो गया। अब इसके बाद यहां पर आपका आता है प्रश्न संख्या गा, कह रहा है कि कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है, तो आपका चिंता यानी कि फर्स्ट नंबर सही है, तो इसलिए हमने लिख दिया चिंता, है ना। तो ये आपका गा नंबर तक आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद अब यहां पर नेक्स्ट पेज आता है, यानी कि पेज हमारा समाप्त होता है, इसके बाद इस पेज में आते हैं देखिए, तो इसमें देखिए क्या करना है, यहां पर आपका ये आपका घा नंबर, तो घा नंबर का क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा था, तो कह रहा था सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि है किसके, तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा इसमें राइट है, तो इसलिए हमने लिख दिया घा का जो है फर्स्ट यानी कि प्रकृति के। इसी प्रकार से आपका अंगा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता है, तो ये आपके कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, यानी कि हमने लिख दिया तीसरा, यानी कि हमारा तीसरा विकल्प सही है, तो हमने लिख दिया तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद मैं आपको बताता हूं जो कि आपका एक डाउट था और काफी सारे कमेंट कह रहे थे भैया जो है गद्यांश और पद्यांश को कैसे सॉल्व करना है, तो इनको आपको क्योंकि यार 10 नंबर के लिए आता है और 10 नंबर यार बहुत कीमती है, 10 नंबर तो कटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो यहां पर दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊंगा जो ये गद्यांश है, गद्यांश को आपको अपने सॉल्व कर लेना, मैं आपको यहां पर पद्यांश सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं, क्योंकि यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आप लोग की बहुत ज्यादा गलती होती है। तो जैसे आपका प्रश्न संख्या 4 है, अब मान लीजिए कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपको मान लीजिए तीसरा अच्छे से नहीं बन रहा, तो आप सोचते हैं कि मैं चौथा पहले कर दूं, तो आप लोग चौथा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने क्या लिखा उत्तर क्रमांक या उत्तर नंबर आप डाल सकते हैं चौथा, नहीं कि हम चौथे का आंसर लिख रहे हैं, तो हमने लिख दिया यहां पर उत्तर क्रमांक चौथा या जो भी मतलब जिस नंबर का कर रहे हैं आपको उसी प्रकार से डाल देना। अब इसके बाद चौथा प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है या पहले इसको पढ़िए ध्यानपूर्वक, कह रहा कि हे जग जीवन के कर्णधार चिर जन्म मरण के आर पार शाश्वत जीवन नौका विहार मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रणाम करता मुझको अमृत दान, यह आपका पूरा एक दिया गया है गद्यांश, है ना। अब देखिए इसके नीचे आपके
कुछ क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन रहते हैं, तो 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के होते हैं, ठीक है, यानी कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करना है ताकि आपको 2 नंबर पूरा मिले, एक भी नंबर ना कटे, यह तरीका मैं आपको यहां पर पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले यहां पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कविता का शीर्षक एवं कवि का नाम बताइए। तो भाई साहब यह आपका जो मतलब यहां पर जो ये कविता है यह किसके, तो हमने पहचान भी लिया नौका विहार आपका यहां पर एक शब्द आया, तो यह नौका विहार किसका है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी का है। भाई साहब देखिए इसका आपके यहां पर का नंबर क्वेश्चन है, तो का नंबर का हम लिख रहे हैं आंसर। देखिए कैसे लिखा हमने कि प्रस्तुत कविता का शीर्षक नौका विहार है, क्योंकि शीर्षक पहले पूछा गया था इसमें, ठीक है, तो इसके बाद हमने यहां पर कवि का नाम बाद में बताएंगे, तो लिखेंगे प्रस्तुत कविता का शीर्षक नौका विहार है एवं इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। देखिए यार कितनी सुंदर लिखावट से हमने लिखा है, बिल्कुल आपको ऐसा ही लिखना है और आप इससे बेहतर ही लिखिए, हो सके तो आप इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा लिखिए, ठीक है, जितना हो सके। तो इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। और हां एक बात मैंने यहां पर लिखा है, जैसे मैंने लिखा प्रस्तुत कविता का शीर्षक नौका विहार, मैंने इसे ब्लैक से कर दिया, इसके अलावा यहां पर कवि का नाम भी ब्लैक से कर दिया, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल आपको अच्छा नंबर मिलेगा, अच्छा इंप्रेशन कॉपी पर पढ़ने वाला, क्योंकि देखिए इससे होता क्या है, जैसे आपकी कॉपी चेक हो रही है तो आपका ब्लैक पर पहले एग्जामिनर की नजर जाती है तो सोचते हैं कि यार हाँ ये सही है, तो आपका बिल्कुल एकदम सही मान लिया जाता है और पूरा पूरा नंबर दे दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपको देखिए खा नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए या भावार्थ लिखिए। रेखांकित अंश क्या है, शाश्वत जीवन नौका विहार मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। अब यहां पर बहुत बड़ा डाउट है, यहां पर सबसे ज्यादा गलती होती है। आप क्या सोचते हैं कि यार इस लाइन का मैं कैसे लिखूं, ये तो दो ही लाइन है, इसका मैं अर्थ कैसे लिखूंगा, व्याख्या कैसे करूंगा। तो पहले दोस्तों आपको इसको पूरा समझना पड़ेगा तभी आप इन दो लाइन का कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे कह रहा कि हे जग जीवन के कर्णधार चे जन्म मरण के आर पार, इसमें आपसे बताया जा रहा है कि संसार का जो जीवन रूपी नौका है, ठीक है, वह हमेशा चलता है। क्या होता है, जन्म के बाद मरण होता है, यानी कि जन्म के बाद मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है। ऐसा क्या है, शाश्वत जीवन नौका विहार, यानी कि ऐसा लगातार चलता जाता है। तो मतलब इस लाइन को आप तभी समझ पाएंगे जब आप लोग ऊपर की दो लाइनों को समझेंगे। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहां पर हमने लिखा कि संसार का जीवन रूपी नौका चलाने वाले हे भगवान, जन्म के बाद मृत्यु के बाद पुनः जीवन, इसी प्रकार जीवन के रूपी नौका हमेशा चलती रहती है या चलती है। आप जितना हो सके आप अपने से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी ही अच्छी तरीके से और सुंदर लिखावट में लिखना है, जितना हो सके अच्छे तरीके से राइटिंग में लिखना है, ठीक है, तब आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा। कोई यार एक नंबर भी आपको छू नहीं सकता, एक नंबर भी काट नहीं सकता, मेरी गारंटी है, ठीक है। इसका यहां पर इस प्रकार से हमने लिख दिया। नेक्स्ट आपका क्या है, कह रहा है कि कर्णधार एवं शाश्वत का अर्थ बताइए। तो ग नंबर का आंसर हम कैसे लिखेंगे, ग नंबर, कर्णधार का आशय है नाव चलाने वाला, यानी कि अर्थात नाविक जो होता है, और शाश्वत का अर्थ होता है हमेशा चलने वाले की, यानी कि लगातार चलने वाला, जैसे कि जीवन होता है हमेशा चलता रहता है, मृत्यु होती है, जन्म होता है, ये सारी चीजें शाश्वत है ना। इस प्रकार से हमने गा का दिया। इसके बाद यहां पर घ नंबर कह रहा है कि किस अदृश्य सत्ता की ओर पंत जी संकेत करते हैं। देखिए यार क्वेश्चन में ही कवि का नाम भी मिल गया भाई साहब, यही कहा जाता है कि 15 मिनट जो समय दिया जाता है, पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिए, तभी जो है यार देखिए इन्हीं में पहचान है, आप लोग ध्यान नहीं देते दे पाते और क्वेश्चन पेपर को नहीं पढ़ते और कहते हैं यार हमसे बनता ही नहीं है। कह रहा ना कि किस अदृश्य सत्ता की ओर जो है पंत जी संकेत कर रहे हैं, इसी में आपका कवि का नाम मिल गया, बताइए। तो यार कितना आसान है, यहां पर आपका इसमें जो है 2 नंबर इसमें ही पक्के करा दिया। तो यार पहले क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है, एक बार फिर से कह रहा हूं। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि कवि जो है ये आपके क्या है, जीवन की शाश्वतता की ओर संकेत करते हैं, यानी कि जीवन जो है लगातार चल रहा है इसी की ओर जो है संकेत करते हैं। और अंगा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जग जीवन के कर्णधार का आशय क्या है। तो जग जीवन और कर्णधार का आशय है आपका कर्मवीर या खेवनहार से, यानी कि कर्मवीर का मतलब जो हमेशा जो है अपने कर्मों पर ध्यान दे, और खेवनहार मतलब हमेशा जो है जो जिसको मतलब पार करता है, जैसे नौका नाविक की बात करें तो नौका क्या है, नाविक क्या होता है, खेवनहार है। तो ठीक इसी प्रकार से यह 5 क्वेश्चन थे हमारे, और 5 को हमने देखिए कितना सुंदर तरीके से लिखा है, इसी प्रकार से आपको सॉल्व कर देना, बिल्कुल शॉर्ट में, ज्यादा देखिए बढ़ाकर हमने नहीं लिखा। आप लोग सोच रहे हैं कि यार इसको 4 पेज 5 पेज में लिखना, कुछ ही ऐसा नहीं होता, आप इसको 1 पेज में देखिए इतना लिख सकते हैं और इतने में आपको 10 नंबर मिल जाएंगे कम समय में। तो यार उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार भैया आपने आगे का नहीं बताया, तो इसी प्रकार से आपको जिस भी क्वेश्चन का करना, जैसे छठवां सातवां जो भी कर रहे हैं, आपको उसी प्रकार से डालते चले जाना है, जितने भी आपके यहां पर क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है जिस नंबर का आप करें उस नंबर को आपको उतनी उसी प्रकार से नंबर डालते चले जाना और बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों यार उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट मैं आपको इंग्लिश की कॉपी लिखने का तरीका भी बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।